अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग तलाश ब्लॉग में आप सबको वेलकम करते हैं आपको भाई एकदम जिंदाबाद जबरदस्त शानदार। तो अभी मैं लाया हूँ अपने अल्फा ब्रावो चांदी के लिए खाना और इनको डाल दी खाना कैसे बेताब होके मेरी तरफ ही देख रहे थे जी। और आज ही रोटी तो थोड़ी है तो मैं क्या करता हूँ थोड़ी सी पालक डालती है वो यहाँ से निकाल के इनको डालता हूँ जी ताकि इनका जौन सा पेट है वो फुल हो जाए जी। तो पालक जौन सी सुबह की यहाँ पे रख दी है रात की के ताकि ओस जौन सी पड़ती है उससे पालक जौन सी वो ख़राब नहीं होती। सर्दी में अक्सर पालक ख़राब होती ही नहीं, कोई खाना भी हो वो ख़राब नहीं होता जल्दी। तो इसीलिए मैंने ये ऊपर छत पर जौन सा वो रख दिया था जी पालक का शापर। तो खात्मा भी कर दिया जी इन्होंने रोटी का, देखें ज़रा भी रोटी अब बाकी नहीं रही जी। तो आज मौसम जौन सा वो तकरीबन साफ ही है जी, धूप वगैरह भी थोड़ी थोड़ी निकलती है लेकिन फिर छांव हो जाती है। तो आग भी मैंने आज लगाई हुई है, अभी देखे जी धूप निकली हुई है तो थोड़ी देर बाद छांव हो जानी है जी। Artlist.io तीन चार दिन हो चुके थे कि धुंध ही पड़ी हुई थी हर तरफ, तो आज थोड़ी थोड़ी धूप निकली है तो परिंदे जौन से हैं वो आज खुशी के साथ जौन सा वो धूप भी सेक रहे हैं और मज़े कर रहे हैं जी। तो अभी देखे जी अभी यहाँ पे धूप थी और अब धूप का नामो निशान नहीं है जी। तो परिंदे देखे जी माशाल्लाह चहचहा रहे हैं जी, धूप जौन सा वो निकल रही है लेकिन यहाँ बादलों पर बादलों ने जौन सा वो सूरज को छुपाया हुआ है जी कि तुम बाहर ना निकलो नहीं तो मार पड़ेगी जी। जैसे शूर है कि कोई धुंध में मुझे चपेड़े मार गया जी। और यहाँ पर आज मैंने आग का भी फिर सेटअप किया क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है तो सर्दी में आग भी एक बहुत बड़ी नेमत है जी। तो अभी आग को इंजॉय करते हैं जी। और इनके खुड्डे में जी मैंने बूरा वगैरह जौन सा वो डाल दिया जी ताकि ये आराम से जौन सा वो खुड्डे के अंदर बैठे रहे जी। ये देखें सारे हर तरफ ही मैंने डाल दिया जी बूरा। और यहाँ पर जी मैंने प्लास्टिक का जौन सा शापर होता है जौन सा सर्दी को रोक देता है जी वो लगाया। और फ्रंट साइड पे जी मैंने खेस के साथ ढकता हूँ जी, आपको दिखाते हैं जी ऐसे ये तकरीबन पूरा ही कवर हो जाता है जी। और यहाँ पर जी खेस भी है थोड़ा सा और जी बाकी प्लास्टिक का जौन सा शापर है वो लगाया हुआ है जी। अभी जी हम नीचे चलते हैं, नीचे जाके जी उनका भी दाना पानी करते हैं बर्ड्स का भी और आपको उनके बेबीज भी दिखाते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो चुके हैं। जब मैं अक्सर नीचे जाता हूँ तो तब वो देख रहे होते हैं मेरी तरफ बर्ड वगैरह, तो जब उनके पास जाए तो वो फौरी क्या नाम है अंदर छुप जाते हैं कि पता नहीं हम उनके दुश्मन आ गए हैं कोई। तो अभी जी ये नीचे ले जाते हैं क्योंकि कल को भी तो डालना है कि नहीं। नीचे आ चुके हैं जी तो आज मेरा सबसे पहला ये होगा कि आपको हमारी डब्स का शो करवाएं क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं आपको मैंने अपनी डब्स जौन सा वो नहीं दिखाई जी। मस्तियाँ करते बहुत ज़्यादा माशाल्लाह नर जौन से वो बोलते भी हैं कोइंग करते हैं जी। नीचे वाला तो स्पेशली बहुत ज़्यादा बोलता है जी, जब फुल मस्ती में हो तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह प्यारा जौन सा वो बोलता है। अभी मुझसे डर रहे हैं लेकिन फिर भी दाना वगैरह चुग रहे हैं और खा रहे हैं जी। और ये भी मुझे उम्मीद है कि इसने यहाँ बच्चे निकाल दिए होंगे
या थोड़े ही दिन रह गए इसके बच्चे को आने में, तो वो भी आपको दिखाएंगे। इसने पहले भी दो बच्चे निकाले थे, तो दोनों जी जब 20-20 दिन के हो गए थे तो वो उड़ चुके थे जी। तो अभी बच्चे जो से वो बाहर देख रहे थे, अभी मैं आया हूँ जी, तो ये छुप गए। देखे जी माशाल्लाह कैसे देख रहे हैं छुप छुप के, कि पता नहीं कौन है जी। देखे दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि मैंने नहीं बाहर जाना, और ना तुम मैंने देखना है ना तुमने देखना जी। देखें कैसे छुप गए हैं जी, और ये भी मेरी तरफ कैसे देख रहे हैं कि पता नहीं जी। मैं इनका पता नहीं दुश्मन हूँ, बच्चों का तो मैं दुश्मन ही हूँ, ये ऐसे ही समझते हैं मुझे। और इनका भी दाना पानी जौन सा वो मैंने अभी अभी रख दिया, पानी भी चेंज करके रख दिया, रोटी भी डाल दी है और बाजरा भी साथ में रख दिए। अब खाते रहेंगे और बच्चों को भी खिलाते रहेंगे जी। तो दोस्तों आज का जौन सा मेरा ब्लॉग है वो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है। लाइक सब्सक्राइब मस्ट है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में रखिएगा यार। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।